हेलो एवरी वन हेयर इज़ द क्वेश्चन हाउ मैनी मोल्स ऑफ एन ए दैट इज सोडियम आर इन ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू मोल ऑफ एन ए टू एस ओ फोर दैट इज सोडियम सल्फेट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके पास ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू मोल के सोडियम सल्फेट गिवन है तो उस सोडियम सल्फ़ेट में से पता लगाओ कि कितने मोल ऑफ सोडियम प्रेजेंट है इसमें सो नाउ वन मोल ऑफ अगर हम इसका सिर्फ़ और सिर्फ वन मोल ले लें सोडियम सल्फ़ेट का तो उसमें कितने मोल्स हो गए एन ए के देखो एक मोल में कितने हैं टू मोल्स ऑफ एन ए है अगर सल्फेट का देखा जाए तो वन मोल ऑफ सिर्फ वन मोल ऑफ सल्फेट प्रेजेंट है सो वन मोल ऑफ़ एन ए टू एस ओ फोर कंटेंस टू मोल ऑफ एन ए जो कि हमें फॉर्मूला से पता चला इसके ठीक है नाव सो गिवेन क्या था आपके पास 12.32 मोल में पता लगाना है कि कितने मोल ऑफ एन ए मिलेंगे सो ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू मोल ऑफ एन ए टू एस ओ फोर कंटेंस उसे डायरेक्टली टू से मल्टीप्लाई कर लो टू इंटू ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू मोल ऑफ एन ए सो आपके पास कितने मोल ऑफ एन ए आ गया आपके पास आए ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स फोर मोल ऑफ एन ए सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जस्ट इसके फॉर्मूला से पता लगाना होता है कि वन मोल में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है और जितना आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लो हे कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन वट इज द मास ऑफ 5.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम की जो एल्यूमिनियम एटम है 5.2 मोल्स गिवन है उसमें मास निकालना है उन एल्यूमिनियम एटम्स का सो यू नो दैट कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट कोई भी वन मोल का जो भी एलिमेंट होगा अगर उसका मास निकालना होता है तो वो स्टैंडर्ड होता है वो इक्वल होता है इसके मोलर मास के इक्वल ठीक है सो हम क्या करेंगे सो so आपको पता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कि अगर वन मोल ठीक है मोल बेसिकली क्या होती है क्वान्टिटी होती है ठीक है तो वन मोल ऑफ अगर एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं कि इसका मास निकालना है तो ये आपको पता होना चाहिए ये एक फॉर्मूला की तरह ही ले लो कि वन मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट का मास होता है उसके मोलर मास के इक्वल सो नाव यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात हो रही है तो एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है ट्वेंटी सेवन ग्राम ठीक है और उसके बाद नाव पूछा क्या गया है आपके पास 5.2 मोल ऑफ एल्युमिनियम का सो वन मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास होता है अगर 27 ग्राम तो 5.2 मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास कितना होगा यूनिट्री मेथड लगाओ डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उससे हमारे पास 14140.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम मिल जाएगा दैट मीन्स फाइव पॉइंट टू मोल अगर हम एल्युमिनियम के लेते हैं तो दैट मीन्स उसका मास इतना होगा थैंक यू सो मच डू लाइक एंड सब्सक्राइब